शेर जो है वो रौद्र रूप में दिखाए गए हैं, जबकि ये सौम्य रूप में है। रूप बदल दिया जाए तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अपराध है। उसको या तो आच्छादित करें या बिल्कुल वहाँ से हटा करके दूसरा उस जगह पर लगाया जाए। राष्ट्रीय गौरव गौरव है और पैसा उसके सामने कोई बोल नहीं रखता। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूँ रविकांत। आज आपको योगानंद शास्त्री, जो कि इतिहासकार हैं, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एनसीपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनसे जानेंगे कि जो एम्बलम विवाद है, अशोक स्तंभ का विवाद है, जो पार्लियामेंट के ऊपर अशोक स्तंभ का लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद से ही इस अशोक स्तंभ को लेकर के तमाम आलोचनाएँ हो रही हैं, उनका क्या मत है एक इतिहासकार के नाते? सर, क्या आप कह रहे हैं इस एम्बलम को लेकर के, अशोक स्तंभ को लेकर के तमाम आलोचनाएं हो रही हैं? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और राष्ट्रीय चिन्ह के साथ यदि हम छेड़छाड़ करें तो अच्छा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी उसकी आलोचना होगी आगे चलकर, यदि हम वैसा ही रखेंगे तो। मेरा ये दृढ़ मत है कि ये जो लगाया गया है उसको या तो आच्छादित करें या बिल्कुल वहाँ से हटा करके दूसरा उस जगह पर लगाया जाए, और जब लगाया जाए तो वो ठीक वैसा ही होना चाहिए जो सारनाथ में रखा हुआ है। यानी सारनाथ में तो मेटल का नहीं है? सारनाथ में मेटल का नहीं है, मेटल का भी बनाए तो बुराई की बात नहीं है, लेकिन वो वैसा ही होना चाहिए जैसा उस समय के किसी बड़े शिल्पकार ने राष्ट्रीय गौरव के लिए जो बनाया था। जो मेटल का है तो क्या ये संभव है कि मौसम का की मार खाए बिना या मौसम की मार खाने के बावजूद हम अगर ओरिजिनल मटेरियल से बनाएं तो वो ख़राब ना हो? नहीं, ओरिजिनल मटेरियल से आप यदि बनाएंगे तो ख़राब होने की संभावना उसकी भी नहीं है, लेकिन इस समय जिन मेटल्स से हम बना रहे हैं मैं समझता हूँ वो भी बहुत स्थायी नहीं हो सकते हैं। यदि आप मैरोली में जो लौह स्तंभ है उसका सब कुछ विश्लेषण वैज्ञानिक तरीके से करें और वैसा बनाएं, तब वो हो सकता है मौसम की मार उस पर न पड़े। और उसमें जो तमाम बातें हो रही हैं कि जो सिंह है उसका चेहरा रौद्र है, सौम्य नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी ठीक की जा सकती हैं? बिल्कुल ठीक की जा सकती हैं और करनी चाहिए। यदि हम उसको रखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे इस शीर्ष स्तंभ की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगी और लोग उस पर मत विभिन्न भी प्रकट करेंगे। तो अच्छी बात तो ये हो कि इसकी जगह पर जल्दी से जल्दी दूसरा बनाया जाए, और भले ही वो इतना ऊंचा ना हो, इतना बड़ा ना हो, लेकिन जो सारनाथ में है उसके साथ एक रूपता होनी चाहिए। सारनाथ का जो शीर्ष स्तंभ है और उसमें जो शेर हैं वो बहुत अधिक सौम्य है, और यहाँ जो लगाया गया है वो रौद्र रूप में है। तो यही एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि जिस भावना से सम्राट अशोक ने वहाँ पर ये स्थापित किया था और धर्म चक्र प्रवर्तन की जो बात हुई थी वो उसमें झलकती नहीं है इस समय जो लगाया गया है, तो अब नया लगा करके उस त्रुटि को दूर कर करके फिर से राष्ट्रीय गौरव को स्थापित करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतीकों का कितना महत्व होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रतीक है शेर। कुछ लोग जो समर्थन में हैं सरकार के वो ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा चेहरा अंतर हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दो बाल मूंछ के अलग हो गए या थोड़ा सा चेहरा अलग हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रतीकों का कितना महत्व है और क्यों ज्यों का त्यों होने चाहिए? देखिए, प्रतीकों का बहुत अधिक महत्व है, खास करके कला की दृष्टि से आप यदि देखें तो जरा सा भी कहीं फर्क आ जाएगा तो आलोचना होने लगेगी। और जिस भावना से, जिस रूप में प्रतीक बनाया जाता है, चिन्ह बनाया जाता है,
उसी भावना के अनुरूप यदि हम नहीं बनाएंगे तो उस पर निश्चित रूप से आलोचना होगी और उसके साथ छेड़छाड़ करना अपने आप में मैं तो समझूंगा कि एक क्राइम होगा। क्योंकि जो आप कह रहे हैं ऐसी बातें हम लोग को सुनने मिलती हैं, जब संविधान की कोई चीज़ लागू होती है तो कहा जाता है कि संविधान के मूल भाव के अनुरूप होना चाहिए। ये ठीक बात है, संविधान में जो कुछ है और उसके प्रमलम जो कुछ है उसके अनुरूप ही हमें चलना चाहिए। वही चीज़ प्रतीकों पर भी लागू होती है कि प्रतीक जिस मूल भावना से लागू बनाए गए हैं वो मूल भावना उनकी प्रतिकृतियों में भी बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल यही बात है। देखिए उस समय में दो तरह के प्रतीक बनते थे या मूर्तियां बनती थी, एक तो थे जो बिक्री के लिए होती थी। महाभाष्य में पतंजलि ने लिखा है मौर्य हिरण्यार्थी भीर अर्चा प्रकल्पन्ते, कि मौर्यों ने धन कमाने के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। एक तो वो थी व्यवसाय के लिए, दूसरी थी जो राष्ट्रीय गौरव के लिए बनाई जाती थी। तो राष्ट्रीय गौरव के लिए जो बनाई जाती थी उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, नहीं करनी चाहिए। जो पैसा कमाने के लिए बनाई जाती थी उसमें फर्क हो सकता था। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो जिस प्रतिकृति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया उस शीर्ष स्तंभ को हटा दिया जाए, तो उसमें बहुत पैसे खर्च हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें सरकार का पैसा लग चुका है। नहीं, ये तर्क कोई युक्ति संगत नहीं है, इसलिए कि राष्ट्रीय गौरव के सामने सब कुछ लुटाया जा सकता है। राष्ट्रीय गौरव की तुलना किसी पैसे से हम नहीं कर सकते हैं, धन से नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय गौरव गौरव है और पैसा उसके सामने कोई मोल नहीं रखता है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, अनकट।